कामयाब और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कॉमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनस अपने ओहदों से दस्तबरदार। मिसबाह उल हक और वकार यूनस मुस्ताफी हो गए हैं। क्रिकेट के गिर्द 32 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे चीजों का वक्त से पहले शायद थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। पाकिस्तान के पूरे मैनेजमेंट को लेकर कुछ हलचल मच गई है, कुछ भूकंप सा आ गया। रवि जाजा पीसीबी के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, आसान जॉब नहीं है जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू एडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। आफ्टर 18 इयर्स न्यूजीलैंड आर कमिंग। टैकी ने क्रिकेट के लिए ये एक बहुत खुशी की खबर है। ये पाकिस्तानी जो करोड़ है, पीसफुल है, पूरा मन है। इंटरनेशनल क्रिकेट का वापस पाकिस्तान में बहाल होना बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है हम जैसे क्रिकेट लवर्स के लिए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला वन डे मंसूख कर दिया गया है। क्रिकेट लवर्स अराउंड द वर्ल्ड वर वेटिंग फॉर एन एलीट टीम लाइक न्यूजीलैंड टू कम बैक एंड प्ले इन पाकिस्तान, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स जस्ट रियली डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ। न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान मनसूखी के आफ्टर शॉक्स। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। इस वक्त जो चीज जिस चीज की जरूरत है, इनको आईना दिखाने की जरूरत है। कोई ऐसी बात नहीं है, राइज अगेन पाकिस्तान से बुरे टाइम देखे हैं। आपका जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो परफॉर्मेंस में निकाले। कौमी टीम का वर्ल्ड कप मिशन शुरू और तैयारियां मुकम्मल। जुमे को कौमी क्रिकेटर यूएई में डेरे डालेंगे। एज अ कप्तान मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं पूरा बिलीव रखता हूँ कि हम इंशाल्लाह। 24 अक्टूबर को पहला मैच रवायती हरीफ भारत के साथ दुबई स्टेडियम में होगा। अब हमें मौका बोली दे दो यार, तो मेहनत होगा क्या? इंडिया 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 24 तारीख को जवाब देंगे। काश पाकिस्तान तारीख बदलती। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी जीत। 4 for 22, how well he's bowled. What a bowling performance. Style wins over India and New Zealand. Goes high, goes hard, goes handsome. 4 sixes in the over for Asif. This one is having the time of his life.